हेलो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आपको शौक है नॉवेल्स, पोइट्री और स्टोरी पढ़ने का, तो आइए हमारे चैनल जीके विद मस्ती संदीप गोयल पर। यहाँ आपको बेहतरीन से बेहतरीन उपन्यास, कहानी और कविताएं मिलेंगी और पढ़ने के लिए काफ़ी ऑडियो बुक्स मिलेंगी। तो अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। इस वीडियो में आप इंग्लिश ग्रामर के सेकंड चैप्टर आर्टिकल्स का शेष भाग पढ़ेंगे। रूल 21, मेक, बिकम, क्राउन, इलेक्ट, सिलेक्ट, अपॉइंट, डिक्लेयर के बाद ऑब्जेक्ट प्लस नाउन यानी कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हो तो द का प्रयोग प्रयुक्त नाउन जो कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है के पहले नहीं होता है। जैसे दे मेड हिम कैप्टन, कैप्टन एक ही पद होता है, राइट। दे मेड हिम द कैप्टन, रॉन्ग। वी इलेक्टेड हिम चेयरमैन, राइट। चेयरमैन एक ही पद होता है, वी इलेक्टेड हिम द चेयरमैन, रॉन्ग। नोट, लेकिन मेक, बिकम एटसेट्रा के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो तथा ऑब्जेक्ट के बाद ऐसे काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो जिसका सेवरल पोस्ट एक से अधिक पद पॉसिबल हो के पहले ए और एन का प्रयोग जरूरत के मुताबिक किया जा सकता है। जैसे वी हैव अपॉइंटेड हिम अ क्लर्क, राइट। क्लर्क एक से अधिक पद होता है। पेज 42, दे मेड हिम अ किंग, किंग एक ही पद होता है, रॉन्ग। दे मेड हिम किंग, राइट। रूल 22, जब स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, जेल, कोर्ट, टेम्पल, मॉस्क, यूनिवर्सिटी का प्रयोग प्राइमरी पर्पस यानी मूल उद्देश्य का बोध कराने के लिए होता है तो इनके पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है। प्रेपोजिशंस इन, टू, एट। प्लेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, स्थान सूचक शब्दों, बेड, प्राइमरी पर्पस मूल उद्देश्य, स्लीपिंग और रेस्टिंग सोने व आराम के लिए। प्रेपोजिशंस टू, एट, इन, इनटू, फ्रॉम। प्लेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, चर्च, टेम्पल और मॉस्क, प्राइमरी पर्पस फॉर रिलीजियस पर्पस एज वर्शिपर्स और टू प्रे, पुजारी के रूप में प्रार्थना के लिए। प्रेपोजिशंस टू, इन, इनटू, फ्रॉम, आउट ऑफ। प्लेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, कोर्ट, प्रिजन और जेल, प्राइमरी पर्पस मूल उद्देश्य एज लिटिगेंट्स, एज अक्यूज्ड एज प्रिजनर्स और एज विटनेसेस, मुकदमेबाजों, दोषी, कैदी या गवाहों के रूप में। प्रेपोजिशंस टू, इन, इनटू और आउट ऑफ। प्लेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, हॉस्पिटल, प्राइमरी पर्पस फॉर ट्रीटमेंट और एज पेशेंट्स, इलाज के लिए या रोगी के रूप में। प्रेपोजिशंस टू, एट, फ्रॉम, लीव, स्टार्ट, एंटर। प्लेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्राइमरी पर्पस टू स्टडी और एज अ स्टूडेंट्स, अध्ययन के लिए या छात्र के रूप में। इन वाक्यों को देखें, हिज ब्रदर इज स्टिल इन हॉस्पिटल, राइट। हिज ब्रदर इज स्टिल इन द हॉस्पिटल, रॉन्ग। शी स्टेज इन बेड टिल 8 एवरी मॉर्निंग, राइट। शी स्टेज इन द बेड टिल 8 एवरी मॉर्निंग, रॉन्ग। आई लर्नड इंग्लिश एट अ स्कूल, राइट। आई लर्नड इंग्लिश एट द स्कूल, रॉन्ग। वी गो टू चर्च ऑन फ्राइडेज, राइट। वी गो टू द चर्च ऑन फ्राइडेज, रॉन्ग। द टेररिस्ट वॉज सेंट टू जेल, राइट। द टेररिस्ट वॉज सेंट टू द जेल, रॉन्ग। नोट, यहां दिए गए शब्दों का प्रयोग निश्चित स्थान, मकान व दूसरे उद्देश्यों के लिए हो तो द का प्रयोग होता है। जैसे आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, राइट। आई वेंट टू हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, रॉन्ग। द बेड इज ब्रोकन, राइट। बेड इज ब्रोकन, रॉन्ग। शी मेट मी एट द टेम्पल, राइट। शी मेट मी एट टेम्पल, रॉन्ग। मिस्टर वर्मा गोज टू द प्रिजन समटाइम्स टू गिव लेक्चर्स, राइट। मिस्टर वर्मा गोज टू प्रिजन समटाइम्स टू गिव लेक्चर्स, रॉन्ग। इन वाक्यों पर विशेष ध्यान दें, ए फॉर प्राइमरी पर्पस मूल उद्देश्य के लिए,
He goes to school at 10 o'clock every day. When we are seriously ill, we go to hospital. He will soon be released from prison. She goes to church to worship there. We generally go to bed at 10 o'clock. The prisoner was brought to court for trial. He has to appear in court to give evidence. These are all correct sentences. B. For other purposes. Anya uddeshya ya prayojan ke liye. He went to the school to complain about the behavior of one of his friends. My beloved went to the college to witness a magic show. He is going to the hospital to give his friend money. You have to visit the hospital tomorrow. The college is just in front of the prison. Mrs. Thakur went to the church to see the dead body. The children were fighting on the bed. Yesterday there was a great rush in the court. These are all correct sentences. See, as countable noun, school, college, आदि का प्रयोग countable noun के रूप में हो, तो इसके पहले जरूरत के मुताबिक a और an का प्रयोग होता है. जैसे, there is a school or college in my village. There is a big hospital there. Rule 23. The का प्रयोग parallel structures, समानांतर बनावट में नहीं होता है. जैसे, village after village, from village to village, from beginning to end, from left to right, side by side, from top to bottom, from door to door, hand in hand, face to face, day after day, man to man, from hand to mouth, inch by inch, from dawn to dusk, arm in arm, row upon row, from east to west. Rule 24. The का प्रयोग समाचार पत्रों के headlines, telegrams, सूचनाओं यानी notices, lists तथा outlines में नहीं होता है. जैसे, 5 men died in accident. School reopens on 5th August. Father serious, within bracket stop. Come soon, within bracket stop. Rule 25. यहां दिए गए table में, preposition plus word और preposition plus word plus preposition phrasal expressions का प्रयोग the के बिना होता है. The का प्रयोग होने या करने पर गलत हो जाता है. At plus words. At war, correct. At the war, at a war, incorrect. At noon, correct. At the noon, at a noon, incorrect. At leisure, correct. At the leisure, at a leisure, incorrect. At interest, correct. At the interest, at an interest, incorrect. At first, correct. At the first, at a first, incorrect. At last, correct. At the last, at a last, incorrect. At sight, correct. At the sight, at a sight, incorrect. At least, correct. At the least, at a least, incorrect. At play, correct. At the play, at a play, incorrect. At work, correct. At the work, at a work, incorrect. At peace, correct. At the peace, at a peace, incorrect. At fault, correct. At the fault, at a fault, incorrect. At hand, correct. At the hand, at a hand, incorrect. At risk, correct. At the risk, at a risk, incorrect. Page 43. On plus words. On duty, correct. On the duty, on a duty, incorrect. On leave, correct. On the leave, on a leave, incorrect. On fire, correct. On the fire, on a fire, incorrect. On strike, correct. On the strike, on a strike, incorrect. On demand, correct. On the demand, on a demand, incorrect. On foot, correct. On the foot, on a foot, incorrect. On sale, correct. On the sale, on a sale, incorrect. On horseback, correct. On the horseback, on a horseback, incorrect. On deck, correct. On the deck, on a deck, incorrect. On watch, correct. On the watch, on a watch, incorrect. On death, correct. On the death,
on a death, incorrect. On purpose, correct. On the purpose, on a purpose, incorrect. Note, on earth ka prayog bhi hota hai. In plus words. In heaven, correct. In the heaven, in a heaven, incorrect. In jail, correct. In the jail, in a jail, both are incorrect. In jest, correct. In the jest, in a jest, incorrect. In love, correct. In the love, in a love, incorrect. In motion, correct. In the motion, in a motion, incorrect. In court, correct. In the court, in a court, incorrect. In hand, correct. In the hand, in a hand, incorrect. In depth, correct. In the depth, in a depth, incorrect. In bed, correct. In the bed, in a bed, incorrect. In time, correct. In the time, in a time, incorrect. In town, correct. In the town, in a town, incorrect. In fact, correct. In the fact, in a fact, incorrect. In favor of, correct. In the favor of, in a favor of, incorrect. In front of, correct. In the front of, in a front of, incorrect. In science, silence, correct. In the silence, in a silence, incorrect. In general, correct. In the general, in a general, correct. In trouble, correct. In the trouble, in a trouble, incorrect. In advance, correct. In the advance, in an advance, incorrect. In doubt, correct. In the doubt, in a doubt, incorrect. In detail, correct. In the detail, in a detail, incorrect. In danger, correct. In the danger, in a danger, incorrect. In pain, correct. In the pain, in a pain, incorrect. In fear, correct. In the fear, in a fear, incorrect. In life, correct. In the life, in a life, incorrect. In haste, correct. In the haste, in a haste, incorrect. In charge of, correct. In the charge of, in a charge of, incorrect. In action, correct. In the action, in an action, incorrect. In confusion, correct. In the confusion, in a confusion, incorrect. By plus words. By day, correct. By the day, by a day, incorrect. By name, correct. By the name, by a name, incorrect. By night, correct. By the night, by a night, incorrect. By road, correct. By the road, by a road, incorrect. By hand, correct. By the hand, by a hand, incorrect. By agreement, correct. By the agreement, by an agreement, incorrect. By accident, correct. By the accident, by an accident, incorrect. By heart, correct. By the heart, by a heart, incorrect. By mistake, correct. By the mistake, by a mistake, incorrect. By post, correct. By the post, by a post, incorrect. By check, correct. By the check, by a check, incorrect. By chance, correct. By the chance, by a chance, incorrect. Rule 26. कुछ ऐसे phrases हैं जिनमें द का प्रयोग नहीं होता है, न ही a and का प्रयोग होता है. यहां दिए गए टेबल को पाठक गण ध्यान से मनन करें. Correct. To leave school. To leave the school. To leave a school. Incorrect. To leave home. Correct. To leave the home. To leave a home. Incorrect. To give ear. Correct. To give the ear. To give an ear. Incorrect. To take breath. Correct. To take the breath. To take a breath. Incorrect. For sale. Correct. For the sale. For a sale. Incorrect. To lose heart, correct. To lose the heart, to lose a heart, incorrect. To catch fire, correct. To catch the fire, to catch a fire, incorrect. To set on fire, correct. To set on the fire, to set on a fire, incorrect. For money, correct. For the money,
फॉर अ मनी इनकरेक्ट फॉर लीव करेक्ट फॉर द लीव फॉर अ लीव इनकरेक्ट टू सेंड वर्ड करेक्ट टू सेंड द वर्ड टू सेंड अ वर्ड इनकरेक्ट टू टेक ऑफेंस करेक्ट टू टेक द ऑफेंस टू टेक एन ऑफेंस इनकरेक्ट टू गिव बैटल करेक्ट टू गिव द बैटल टू गिव अ बैटल इनकरेक्ट टू स्ट्राइक रूट करेक्ट टू स्ट्राइक द रूट टू स्ट्राइक अ रूट इनकरेक्ट अंडरग्राउंड करेक्ट अंडर द ग्राउंड अंडर अ ग्राउंड इनकरेक्ट अबव ग्राउंड करेक्ट अबव द ग्राउंड अबव अ ग्राउंड इनकरेक्ट टू सेट सेल करेक्ट टू सेट द सेल टू सेट अ सेल इनकरेक्ट टू ब्रिंग वर्ड करेक्ट टू ब्रिंग द वर्ड टू ब्रिंग अ वर्ड इनकरेक्ट इन वाक्यों को सुने नंबर वन हर क्लोथ्स कॉट द फायर इनकरेक्ट हर क्लोथ्स कॉट फायर करेक्ट नंबर टू गिव ईयर टू व्हाट योर राइटर सेज करेक्ट गिव द ईयर टू व्हाट योर राइटर सेज रॉन्ग थ्री शी लॉस्ट हार्ट वेरी सून राइट शी लॉस्ट द हार्ट वेरी सून इनकरेक्ट शी लॉस्ट अ हार्ट वेरी सून इनकरेक्ट फोर दे लीव होम एट 6 AM राइट दे लीव द होम एट 6 AM रॉन्ग दे लीव अ होम एट 6 AM रॉन्ग पेज 44 रूल 27 द का प्रयोग होम वर्क सी टाउन ऑफिस के पहले सामान्यतः नहीं होता है जैसे नंबर वन होम वर्ब टू बी एट गो होम अराइव होम कम होम रिटर्न होम नंबर वन माय फादर वॉज एट होम व्हेन आई अराइव्ड राइट माय फादर वॉज एट द होम व्हेन आई अराइव्ड रॉन्ग टू शी केम होम लेट राइट शी केम द होम लेट रॉन्ग नोट लेकिन होम के पहले किसी डिस्क्रिप्टिव वर्ड और फ्रेज का प्रयोग होने पर द का प्रयोग होता है जैसे वी अराइव्ड एट द ब्राइड्स होम राइट वी अराइव्ड एट ब्राइड्स होम रॉन्ग फॉर सम इयर्स दिस वॉज द होम ऑफ योर ब्रदर राइट फॉर सम इयर्स दिस वॉज होम ऑफ योर ब्रदर रॉन्ग टू वर्क वर्क का प्रयोग प्लेस ऑफ वर्क के अर्थ में होने पर इसके पहले ए और द का प्रयोग नहीं होता है जैसे नंबर वन मिस्टर पांडे इज एट वर्क राइट मिस्टर पांडे इज एट द वर्क मिस्टर पांडे इज एट अ वर्क बोथ आर इनकरेक्ट नंबर टू मिस्टर ठाकुर इज ऑन हिज वे टू वर्क राइट मिस्टर ठाकुर इज ऑन हिज वे टू द वर्क मिस्टर ठाकुर इज ऑन हिज वे टू अ वर्क These both are wrong. ध्यान दें at work का अर्थ working होता है तथा hard at work का अर्थ working hard होता है 3. Sea यानी समुद्र S-E-A Sea को वक्ता speaker नाविक as sailor समुद्री यात्री या नाविक दल as passengers और crew के रूप में जाते हैं तो इसके पहले the का प्रयोग नहीं होता है जैसे number one We go to sea, within bracket, as sailors, right. We go to the sea, wrong. Number two, they are at sea, within bracket, as passengers or crew, right. They are at the sea, wrong. Note, लेकिन sea का प्रयोग समुद्र तट, यानी seaside और shore के अर्थ में होने पर, इसके पहले the का प्रयोग होता है. जैसे, number one, To go the sea means to go to the seaside. To be at the sea means to be at the seaside. In vakyon ko sune, number one, the people of Mumbai live near the sea. Right. The people of Mumbai live near sea. Wrong. Two, we can also live by the sea. Right. We can also live by sea. Wrong. Four, town. जब वक्ता यानी स्पीकर टाउन शब्द का प्रयोग अपने टाउन के लिए करते हैं तो इस केस में टाउन शब्द के पहले द का प्रयोग नहीं होता है जैसे नंबर वन वी गो टू टाउन टू बाय वेजिटेबल्स राइट वी गो टू द टाउन टू बाय वेजिटेबल्स इनकरेक्ट नंबर टू आई वॉज इन टाउन लास्ट संडे राइट
आई वॉज इन द टाउन लास्ट संडे रॉन्ग ऑफिस ऑफिस का प्रयोग प्लेस ऑफ वर्क के अर्थ में सामान्यतः होता है इस अर्थ के लिए इसके पहले द का प्रयोग होता है जैसे नंबर वन मिस्टर पाठक इज इन द ऑफिस राइट मिस्टर पाठक इज इन ऑफिस रॉन्ग नंबर टू शी वॉज एट द ऑफिस राइट शी वॉज एट ऑफिस रॉन्ग नोट लेकिन ऑफिस शब्द का प्रयोग इन फ्रेजेस में विशेष अर्थ में होता है तथा द का प्रयोग नहीं होता है जैसे टू बी इन ऑफिस मीन्स टू होल्ड एन ऑफिशियल पोजिशन टू बी आउट ऑफ ऑफिस मीन्स टू बी नो लॉन्गर इन पावर नंबर वन मिस्टर चंद्रशेखर वॉज आउट ऑफ ऑफिस राइट मिस्टर चंद्रशेखर अधिक समय तक सत्ता या पावर में नहीं रहे थे नंबर टू मिस्टर चंद्रशेखर वॉज आउट ऑफ द ऑफिस रॉन्ग रूल 28 द प्लस ऑर्डिनल प्लस एंड प्लस ऑर्डिनल प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है जैसे द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स राइट द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर रॉन्ग द 14th एंड 15th सेंचुरीज राइट द 14th एंड 15th सेंचुरी रॉन्ग नोट द प्लस ऑर्डिनल प्लस एंड प्लस द प्लस ऑर्डिनल प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है जैसे द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर राइट द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर्स रॉन्ग द 14th एंड द 15th सेंचुरी राइट द 14th एंड द 15th सेंचुरीज रॉन्ग रूल 29 स्ट्रीट्स तथा रोड्स के नाम के पहले सामान्यतः द का प्रयोग नहीं होता है जैसे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट राइट फिफ्थ एवेन्यू फर फ्री एवेन्यू ब्लू पूल रोड दीज आर ऑल राइट द ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट द फिफ्थ एवेन्यू द फर ट्री एवेन्यू द ब्लू पूल रोड दीज आर ऑल रॉन्ग नोट लेकिन रोड्स के नाम के प्रयोग द रोड दैट लीड्स टू प्लेसेस टाउन और सिटी के अर्थ में हो तो इसके पहले द का प्रयोग होता है जैसे द ऑक्सफोर्ड रोड द लंडन रोड रूल 30 एयरपोर्ट्स तथा रेलवे स्टेशंस के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है जैसे नंबर वन एयरपोर्ट्स चार्ल्स डी गॉल नरिता द चार्ल्स डी गॉल रॉन्ग द नरिता रॉन्ग नंबर टू रेलवे स्टेशंस कैरिंग क्रॉस राइट द कैरिंग क्रॉस रॉन्ग रूल 31 यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा इससे एक ही व्यक्ति वस्तु या जानवर का बोध हो तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले द का प्रयोग होता है जैसे द प्रेसिडेंट एंड एसडीओ इज कमिंग राइट द प्रेसिडेंट एंड द एसडीओ इज कमिंग रॉन्ग रूल 32 यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा इससे टू डिफरेंट पर्सन्स थिंग्स और एनिमल्स का बोध हो तो दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले द का प्रयोग होता है जैसे द प्रेसिडेंट एंड द एसडीओ आर कमिंग राइट द प्रेसिडेंट एंड एसडीओ आर कमिंग रॉन्ग रूल 33 यदि किसी कॉमन नाउन का प्रयोग वोकेटिव केस में हो तो कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है जैसे कम हियर बॉय राइट कम हियर द बॉय रॉन्ग लेडीज एंड जेंटलमैन आई हैव टू से अ लॉट टू यू राइट द लेडीज एंड जेंटलमैन आई हैव टू से अ लॉट टू यू रॉन्ग रूल 34 यदि सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन का प्रयोग वोकेटिव केस में हो तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता है जैसे ओ डियरेस्ट फ्रेंड व्हेन विल यू कम अगेन राइट ओ द डियरेस्ट फ्रेंड व्हेन विल यू कम अगेन रॉन्ग पेज 45 रूल 35 पजेसिव केस में प्रयुक्त नाउन्स में से फर्स्ट नाउन प्रॉपर नाउन हो तो आर्टिकल्स ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है जैसे अ और द मोहन्स काओ रॉन्ग मोहन्स अ और द काओ रॉन्ग मोहन्स काओ राइट लेकिन द काओ ऑफ मोहन का प्रयोग होता है नोट फर्स्ट पजेसिव केस में प्रयुक्त नाउन में से फर्स्ट नाउन काउंटेबल नाउन हो तो फर्स्ट काउंटेबल नाउन के पहले जरूरत के मुताबिक आर्टिकल्स ए एंड द का प्रयोग होता है जैसे द गर्ल्स नोटबुक राइट गर्ल्स नोटबुक रॉन्ग गर्ल्स अ नोटबुक रॉन्ग अ वीक्स हॉलीडे राइट
week's holiday wrong, week's a holiday wrong. Second, दूसरे शब्दों में apostrophe s और apostrophe के बाद प्रयुक्त noun के पहले articles का प्रयोग नहीं होता है, जैसे Mohan's pen right, Mohan's a pen wrong, Mohan's the pen wrong. Rule 36, turn का प्रयोग become के अर्थ में हो तो इसके बाद प्रयुक्त sound noun word के पहले articles का प्रयोग नहीं होता है, जैसे He turned politician right, He turned a or the politician wrong, A frustrated lover turns mad right, A frustrated lover turns the mad wrong. Note, turn का प्रयोग become के अर्थ में नहीं होकर अन्य अर्थ में हो इसके बाद प्रयुक्त noun के पहले the का प्रयोग होता है, जैसे Veena turned the key in the lock right, Veena turned key in the lock wrong, Anjani turned the handle but the door didn't open right, Anjani turned handle but the door didn't open wrong. Rule 37, articles of clothing ke saath possessive apostrophe s apostrophe ya possessive adjective ka prayog ho to iske pehle the ka prayog nahi hota hai, jaise he took off his coat right, she seized the child's collar right. लेकिन आर्टिकल्स ऑफ क्लोदिंग का प्रयोग पर्टिकुलराइज सेंस में हो तो इसके पहले द का प्रयोग होता है, जैसे शी सीज द चाइल्ड बाय द कॉलर राइट, शी सीज द चाइल्ड बाय कॉलर रॉन्ग. रूल 38, पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले पजेसिव एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी और पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे रेज योर राइट हैंड, The brick hit John's face. Lekin, number one, I patted him on the shoulder. Two, the brick hit John in the face. Three, he was hit on the head. Four, he was hit in the hand. These are all correct. Rules completed.